पहले से सर हम बहुत छोटा बच्चा था गोद में खिलाए थे उसी समय सर जन्मे हैं वही का है बड़े कार्यक्रम को बढ़ाइए प्रधान महासचिव नाम कल के दुखद दौर से हम लोग सब निकल के आए हैं। हम सब लोगों की सजगता ने, बहादुरी ने देश को भी, राज्य को भी और अलवर के इलाके को भी कोरोना से मुक्त कराया है। और अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपने कार्यक्रमों को लेकर के गांव तक उतरना प्रारंभ किया है। प्रथम दौर में हम पूरे बिहार में हमारे सभी तमाम साथी जो यहाँ हैं बिहार का दौरा करेंगे। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 14 अप्रैल को पटना में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाएं और तारीख तय किया हुआ है 30 मार्च तक पंचायत स्तर तक संगठन को कैसे नीचे ले जाएं और अपने पूरे संगठन को धारदार बना करके जनहित के सवालों को लेकर के संघर्ष भी करें और उसके निदान के तमाम रास्ते भी निकालें। इसी के लिए आज अरवल के साथियों के बीच में बैठने के लिए आया हूं। शहीद जगदेव सिंह जी की धरती है और हमारे साथ दुलारचंद जी विधायक भी थे, हम लोगों का आवास भी आसपास में था और संजोग से हम लोगों का विचार और रुचि भी मिलता था, इसलिए जो कमेटी पार्टी की बनती थी और हम गुलाबचंद भाई साथ साथ रहते थे। आज वो रहते तो हमारा सौभाग्य होता कि हमारी अगुवाई करते, हमारी टीम को लेकर के पूरे बिहार में जाते। आज नहीं है वो हमारे बीच, लेकिन उनका किया काम, उनका बताया रास्ता, उनकी संगति में जिया हुआ समय आने वह हमको प्रेरणा देगी, बल प्रदान करेगा और संगठन को बिहार में हम और धारदार करेंगे और गांव-गांव उतरना। राष्ट्रीय युवा लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा से युवाओं की लड़ाई लड़ते आए हैं। हमने पहले भी युवाओं की लड़ाई के लिए मांग करते आए हैं कि हमारा युवा सशक्त हो। आज बिहार में युवा सशक्त भी है और युवा आयोग के गठन राष्ट्रीय स्तर पर के लिए युवाओं के लिए हम लोग मांग किए हैं, ताकि युवा आयोग का जब गठन हो जाएगा तो हमारे युवा हैं उस अपने समस्या को उस प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। जिस तरह से हर तरह आयोग बना हुआ है उसी तरह से युवा आयोग का गठन हो। पिछले और दिनों आए हुए रिजल्ट में आरआरबी एनटीपीसी में युवा ही सड़क पर उतरे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो युवा नहीं थे, उसमें जो विपक्ष का कुछ साजिश था, उसमें जितने भी विपक्ष के हमारे नेता थे उन लोगों का साजिश था। सरकार की नाकामी जो कारण सड़क पर उतरने के लिए जो उतावला हुए है देखिए वापस नहीं आए। उसमें जो सरकार ने काम किया था, चाहे आरआरबी के, चाहे जो उसमें आरआरबी के तरफ से कुछ जो पदाधिकारी थे उनसे तरफ से थोड़ा सा व्यक्तिगत उनका राय था, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। सरकार उस बात को समझी, इसके बाद सरकार ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करके जब लगा कि नहीं युवाओं के साथ गलत हुआ है, तो आरआरबी के गलती के कारण हुआ था, न कि सरकार की इसमें गलती थी। सरकार ने हस्तक्षेप करके मंत्रालय के द्वारा मामला आया नहीं, आरआरबी ने जो गलती किया फिर सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया और सरकार ने युवाओं के साथ दिया। युवा का जो मांग था उसमें कमेटी का भी गठन किया गया और उसको एग्जाम को स्थगित भी किया गया, मतलब कि सरकार
समझ रही थी इस चीज़ को, समझने के बाद जो है फिर उसमें हस्तक्षेप किया और युवाओं के साथ सरकार खड़ी है, हमेशा सरकार के साथ खड़ी, सरकार युवाओं के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। इच्छा था और दूसरी सरस्वती पूजा के बाद में, और आपको पता ही होगा सब साथी को, हमारे जो पुराने साथी थे उमेश यादव जी, कल भी उनसे भेंट हुई, आज अचानक उनके एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई जिसमें करीब करीब